हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी से। तो ये जो यूनिवर्सिटी है सिचुएटेड है तिरुपति में, और यहाँ पर जो है फैकल्टी लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसीज वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग में ही जो रजिस्ट्रेशन फी है वो मेंशन कर रखा है कि अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है आपको 500 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में निकाली गई है, और एसोसिएट की प्रोफेसर की वैकेंसी है वो भी वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस में निकाली गई। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो वैकेंसी जो मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे देखिए वेटरनरी साइंस के लिए 40, डेयरी साइंस के लिए 2, फिशरी साइंस के लिए 4, एग्रीकल्चर साइंस के लिए 1 वैकेंसीज हैं। सेम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पे 64 वैकेंसी देखने को मिलेंगी वेटरनरी साइंस में, डेयरी साइंस में 2, फिशरी साइंस में 4। ठीक है, तो ये देखिए जो वैकेंसी यहाँ पे ये इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप जो है इसका जो ऑनलाइन लाइक एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी www.svvu.edu.in, यहाँ पर जाके जो है आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर बहुत लोग क्या होते हैं कुछ डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो फी है वो आप डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में जो है वो भी पे कर सकते हैं इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर SVVU तिरुपति। ठीक है, यानी किसी भी नेशनलाइज बैंक से आपको जो है आप इसका लाइक आप कहीं से भी जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है कि आपको किसके फेवर में बनवाना है, तो आप इस फेवर में जो है वो बनवाना है आपको, और उसके बाद आपको इस डिमांड ड्राफ्ट को अपने एप्लीकेशन और आपके टेस्टिमोनियल्स के साथ जो है वो सेंड कर देना है द रजिस्ट्रार श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डॉक्टर YSR भवन तिरुपति, ओके, बिफोर 22 मई। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 22 मई है, आपको बता दूँ। तो इससे पहले जो है अपना जितने भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर डिमांड ड्राफ्ट एंड विद योर टेस्टिमोनियल्स यू हैव टू सेंड। ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करने पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशंस वो सब देख लेती है। तो नॉर्मली जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा है, तो आपका यहाँ पे टोटली API इंडेक्स के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी और उसकी बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब कुछ और चीज हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका पीजी डिग्री होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ, आपका अगर आप एससी एसटी या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ मेंशन कर रखे हैं। जैसे अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70% मार्क्स होना चाहिए आपका, अगर आप एससी एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65% मार्क्स जो है आपका पीजी में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसे ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट कैडेट्स इन द फैकल्टी ऑफ वेटरनरी डेयरी फिशरी साइंस, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ए और बी है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने एलिजिबिलिटी ए जो है वो आपके साथ मेंशन कर लाइक टॉक कर लिया है। अब देखिए एलिजिबिलिटी बी है कि अगर आपका PhD जो है वो आपने कहीं बाहर से किया है तो आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो आपकी टॉप 500 में होनी चाहिए। ठीक है, अब जो रैंकिंग वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग लाइक QS ARWU में अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आती है तब आप इसके लिए डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन भी दे रखा है कि आपके किस डिपार्टमेंट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन मैनेजमेंट तो आपका MVSC होना चाहिए, LPM, एनिमल और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री टू द इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो यहाँ पे अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट पे या जिस भी आप लाइक जिसके लिए भी आपको आप क्वालिफाई करते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अगर आप जो एलिजिबल हैं तब भी आप यहाँ पे एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फी जो है वो पे करनी पड़ेगी सेपरेट सेपरेट हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपार्टमेंट दे रखें आप इसे अच्छे देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है शॉर्टलिस्ट करने का वो आपका रहेगा एक ही API इंडेक्स की बेट पे। तो देखिए यहाँ पे आप इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है 80% अबव तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा, स्कोर आपका रहेगा अगर 60 to 80% 13, ऐसे PG में अगर आपका 80% है अबव 25, 70% टू लेस नहीं 80% 23।
तो ऐसे करके आपको यहाँ पे देखिए, एमफिल अगर आपने किया है तो 60% अबव 7 स्कोर, 55% टू लेस देन 65 स्कोर, ऐसे पीएचडी 30 नेट विद जेआरएफ 7 नेट 5 स्लेट या सेट 3 अवार्ड्स, अगर आपको कोई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स में बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 3 मार्क्स 3 स्कोर रहेगा आपका, स्टेट लेवल का 2, रिसर्च पब्लिकेशन जो है आपका वो 10 रहेगा, ठीक है। जर्नल विद नेस रेटिंग ऑफ 4 एंड अबव, फर्स्ट ऑथर 3 मार्क्स, सेकेंड ऑथर 2 मार्क्स एंड थर्ड एंड अबव 1 मार्क्स, ठीक है। ऐसे जर्नल विद नेस रेटिंग, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स यहाँ पे इजिली जो है आप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी के बेस पे आपका जो है एपीआई इंडेक्स बनता है और उसी के बेस पे जो है आपको यहाँ पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और तब आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टीचिंग पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस के लिए भी 10, ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे इन्होंने जो है क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको किस बेस पे आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए, इसके अलावा आपका जो है अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हो 65%, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, इसके अलावा आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए या आपका स्लेट या सेट भी क्लियर होना चाहिए, चाहे आपका आई सी आर नेट हो चाहे यू जी सी नेट हो, कोई सा भी नेट हो आपका, तभी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यही सब सेम है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी भी, जिन बच्चों ने जो अपना पी एच डी वो बाहर से किया है एब्रॉड से किया तो उनका जो यूनिवर्सिटी टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्यू एस दा एन ए आई डब्ल्यू, अगर इनमें आपकी यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 में आती है तो आप डायरेक्टली जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस आप देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो आप ये जो एलिजिबिलिटी यहाँ मैंसन कर रखी है आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा आपका रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल बुक चैप्टर्स अगर आपके पास हैं तो आपका जो एपीआई इंडेक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है वो भी ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ मैंसन किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है कि आपको कितने मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे या साइंटिफिक पब्लिकेशन पे, ऐसा करके इन्होंने टोटल जो है यहाँ पे 100 मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं, आप पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और जो है आप ये सब देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट जो है वो मैंसन करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए वैकेंसीज की बात करें तो अगर आप वेटरनरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पे बैंड 57,700 टू 182,400 है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ जो वैकेंसीज हैं पोस्ट है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है। तो जैसे एग्जाम्पल बात करें एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग के लिए तो यहाँ पे नंबर पोस्ट 4 है, एस टी के लिए 1, बी सी डी के लिए डब्ल्यू डेट 1, बी सी ई 1, ओ सी ई डैश ओ एच 1। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया, तो आप देख सकते हैं सब टोटल वैकेंसीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी है, ठीक है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप एलिजिबल हैं आपके पास क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने आपको पूरा जो वैकेंसीज है किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है वो सब जो है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी आपका डिस्कस कर लिया है, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, अपने टेस्टिमोनियल लगाने, अपने रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल या बुक चैप्टर जो भी आपके हैं, और आपका अगर कोई प्रोग्राम आपका लाइक आपने कोई अवार्ड जीता है इंटरनेशनल या नेशनल तब भी उसका जो प्रूफ है वो आपको ये सब जो है लगाना पड़ेगा और आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने टेस्टिमोनियल और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको जो है वहाँ पे सेंड करने हैं, ठीक है। फी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, तो आपको देखिए दर आपको सेंड करना है, एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है, दर रजिस्ट्रार श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डॉक्टर वाईएसआर भवन तिरुपति 517502, और जो लास्ट डेट है 22 मई 2021 है। तो 22 मई 2021 से पहले जो है आपको यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट आपको सेंड कर देना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको पूरा देखने को अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे लाइक लिखेंगे उन सबका प्रूफ भी आई थिंक आपको यहाँ पे जो है वो सेंड करना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये सब देखिए यहाँ पे अवार्ड मेडल ऑनर्स रिसीव्ड ये सब
ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो आपके पास जितना भी जो भी अवार्ड है, जो भी आपके पास लाइक के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जो है आप ज़रूर इसके लिए लाइक के लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो इंटरव्यू में आपका जो है चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जो ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली svvu.edu.in पर जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई सा भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ऐसे जो है वो हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।